जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में बात होगी कि अभी हाल ही में कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आए हैं, क्वार्टर फोर का नंबर कैसे आए हैं और उस क्वार्टर फोर का नंबर का कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, उसको इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत एकदम शुरू से करेंगे। देखिए अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 1.30 रुपये के आसपास देखेंगे, इसने अपना क्लोजिंग दिया है। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक दिन में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन में जहाँ पर इसने अपना ओपनिंग किया था प्राइस, उसी लेवल के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दे दी है। और जब ऐसा होता है तो एक दिन में कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। पिछले एक सप्ताह की बात कर लें तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 1.5% के आसपास जरूर चढ़ते हुए आपको दिखेगा। देखेंगे निचले स्तर से ये चढ़ना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा है, तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं तेजी आनी शुरू हो गई है। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में तकरीबन अभी भी इसका रिटर्न निगेटिव में ही दिखेगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्टॉक को कंसोलिडेट करने लगा है, यानी कि अब प्राइस डाउन नहीं जा रहा है। पिछले सिक्स मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ में तकरीबन 35% 36% के आसपास से स्टॉक आपको टूटते हुए नज़र आएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब स्टॉक नीचे नहीं जा रहा और कंसोलिडेशन रेंज में चला गया है। जब हम लोग स्किनर के चार्ट पर इस बात को समझेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब यहाँ पर हम लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं और चार्ट के माध्यम से बात कर लेते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी क्या कह रहा है और उसके बाद फिर हम लोग क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए अभी सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हमने आपके लिए एक साल का चार्ट ओपन किया और एक साल का चार्ट पर जो आप देखेंगे तो अपनी कंपनी का शेयर प्राइस जिससे मैंने आपको वहाँ पर बताया कि कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। देखिए 1.5 रुपये से लेकर 1 रुपये इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस इस साल फरवरी से ही देखेंगे तो इसी रेंज में फंसा हुआ और इसी बीच में घूमते जा रहा है। यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बल्कि स्पष्ट रूप से देखेंगे तो प्राइस एकदम सीधी रेखा में जा रहा है, कहीं अभी इसमें मूवमेंट नहीं हुआ है। हालांकि साल के शुरुआत से देखेंगे, पिछले साल से देखेंगे तो ये लेवल जहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पर माना जा रहा था कि इस लेवल से भी जब कंसोलिडेट कर रहा है तो प्राइस इससे जब बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया था, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टर के नंबर आए थे वो अच्छे नहीं आए थे, क्वार्टर के नंबर काफ़ी बुरे आए थे, ऐसा कह सकते हैं निगेटिव आए थे। लेकिन अभी जो क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं कुछ मामलों में पॉजिटिव आए हैं, तो हो सकता है कि इसके बदौलत अब इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो कंसोलिडेशन रेंज में है ये ब्रेकआउट करे और ऊपर की तरफ इस कंपनी का शेयर प्राइस जाए। तो जो क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आगे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। क्वार्टर फोर के नंबर में देखेंगे तो सेल्स 40 करोड़ 16 लाख के आसपास हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 30 लाख के आसपास था, और पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो ये 2-2.5 करोड़ के आसपास ही बना हुआ रह रहा था, लेकिन जो क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं उसमें देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स मतलब 2 करोड़ से सीधे बढ़कर कितना हो गया, 40 करोड़ के आसपास हो गया। ये काफ़ी अच्छी बात है कि 3 मंथ में ही कंपनी का जो सेल्स से है 2 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ के आसपास हो गया है। अब वहीं पर एक्सपेंसेस की बात करें, क्योंकि एक्सपेंसेस खर्चे कितना कर रही है कंपनी, देखिए एक्सपेंसेस देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी जो टोटल एक्सपेंस किया है 45 करोड़ के आसपास किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 51 लाख के आसपास था। कंपनी जब 2 करोड़ रुपये कमाती थी, 2.5 करोड़ कमाती थी, तो सिर्फ कुछ लाख रुपये ही खर्च करती थी, लेकिन कंपनी ने जब 40 करोड़ रुपये कमाए तो खर्चे कितने किए, 45 करोड़, यानी कि अपने अवकाश से ज़्यादा खर्चे किए। और जब भी कोई व्यक्ति या कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अवकाश से अधिक खर्चा करती है तो क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है। तो इतने ज़्यादा सेल्स बढ़ने के बाद भी कंपनी का जब प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में ही आपको दिखाई देगी। ये देखिए ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर फोर में माइनस में आ गया, -5.14 लाख के आसपास, जबकि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 में तो कंपनी प्रॉफिट में थी, अच्छे खासे प्रॉफिट में थी, लेकिन इस बार कंपनी का सेल्स बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, बल्कि कंपनी को लॉस हो गया है, क्योंकि कंपनी ने अपने अवकाश से ज़्यादा खर्चा किया है। यही कंपनी का मैनेजमेंट में कह रहा हूँ, मैनेजमेंट में बहुत बड़ी सुधार होने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कंपनी का इंटरनल जो इशू है वो ठीक नहीं होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो इंटरनल इशू ठीक होते हुए नहीं दिख रहा है, जिस वजह से कंपनी लॉस में चली गई है। अब लॉस में जो कंपनी चल रही है तो क्या उस कंपनी का शेयर प्राइस जो एक रेंज में फंसा हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, इसके चांसेस अब थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं, जबकि अच्छे सेल्स होने के बावजूद भी। तो अब क्या हो सकता है कि यदि इस कंपनी आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें बने रहने की जरूरत है, भी हड़बड़ाना नहीं है जब तक कंपनी का रेंज आउट मतलब कंपनी जिस रेंज में चल रही है उस दायरे से बाहर नहीं निकल देता। नया व्यक्ति अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इस कंपनी में अभी रिस्क है। जो लोग पुराने हैं जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है वो अभी अपने इन्वेस्टमेंट को जैसे मैंने बताया कि जब तक कंपनी रेंज बाउंड में फंसी हुई तब तक इसमें बने रहिए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके निकल दे तो आप इससे एग्जिट हो जाइएगा, तुरंत इस कंपनी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट जब तक सुधरेगा नहीं तब तक कंपनी का फंडामेंटल या कंपनी का शेयर प्राइस चेंज होते हुए आपको नहीं देखेगा। उम्मीद करता हूँ इंडियन इन्फोटेक के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और ट्रेडिंग करके यदि शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप Angel One या MStock के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।